फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम चिकन टाको। क्या आप वापस ये क्या है टाको, आप लोग बताओ। हाँ, ये अंग्रेजी लोगों का अंग्रेजी खाना होता है, लेकिन मैं देसी स्टाइल में बना के बताऊंगी आप लोगों को। देखो, इंडिया में ना बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। जैसे कि अपना KFC, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट है ना, वैसा ही एक टाको बेल करके भी एक ब्रांड है जहाँ पे मिलते हैं टाकोस। अभी अपने आगे से बर्गर, पिज्जा, सैंडविच बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये जो टाकोस है ना, ये ज्यादातर लोग शायद ही पसंद करते होंगे या फिर ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। तो एक ऐसी चीज है ना कि क्या बोलते हैं, रोटी हो गया, पापड़ हो गया, उसके अंदर धूप पट्टी लगा के एड़ा बनाओ। हाँ, जैसा कि शोरमे का आता है ना बेस, पिज्जा वाला बेस, उसको भी फोल्ड करके टाको बना देंगे, पापड़ को भी बना देंगे, रोटी को भी बना देंगे। मतलब सबके अपने अपने पसंद है अलग अलग। मैं आपको घर में रोटी के साथ बना के बताऊंगी। हाँ, ठीक है। वैसे ये रेडीमेड भी मिलता है? हाँ, मिलता है ना। मैंने लाई हूँ रेडीमेड भी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। क्या जम्मी टाकोस बनाने के लिए क्या क्या लेंगे? चिकन का ना? हाँ, चिकन का। तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, मैदे का आटा, टमाटे, प्याज, सूखी लाल मिर्ची, टमाटो केचप, लहसुन, शक्कर, चिकन मसाला, ओरिगेनो, कोतमीर, सोया सॉस, मोजरेला चीज। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्ला करके। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन। यहाँ पर मैंने ली हूँ आधा किलो चिकन, तो मैं यहाँ पर ये अक्का ही डाल दूंगी। ये रेसिपी में खाली चिकन ही अच्छा है। यहाँ मैंने दो बड़े बड़े प्याज ली हूँ, इसको मैंने बड़े बड़े ही काट ली हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो लहसुन है, ये लहसुन भी हमने अक्खे अक्खे डाल दिए है इसमें। कितना ये 8 से 10 ली हूँ मैंने कलियाँ, आप अपने हिसाब से अंदाजे से लेना जितना आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने एक मीडियम साइज की डली ली थी, वो मैंने पूरा डाल दी। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें लाल सूखी मिर्ची, जिसकी हम ये डंठल निकाल लेंगे और इसको ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिए हमने टमाटे, ये मेरे फेवरेट टमाटे, तो यहाँ टमाटे को मैं ऐसे ही डाल दूंगी। ठीक है, वो छोटा था इसके लिए मैंने 2 रखी हूँ, और ये बड़ा है इसके लिए हम इसको 4 कर देंगे। इसको भी डाल देंगे हम इसी तरीके से अक्खा अक्खा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे हम ये बिरयानी मसाला, चिकन मसाला होता है ना, जो बिरयानी मसाला, चिकन मसाला, आपके घर में जो फेवरेट मसाला आपका, वो आप डाल सकते हैं चिकन के हिसाब से। ठीक है, ये डालेंगे 1 चम्मच। इसके बाद डालेंगे हम 1 चम्मच ओरिगेनो। अब डालेंगे हम 1/2 चम्मच सोया सॉस, ये जरा सा डालना, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ये नहीं भी डाले तो चलेगा। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल, बस। अब इसमें ऐड करूंगी मैं नमक। गैस चालू की है क्या? नहीं। हाँ, गैस चालू है बेटा, लेकिन स्लो पे है। ठीक है, अब हम इसमें नमक भी ऐड कर दिए है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो यहाँ पर मैं गिलास के हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग भी आप अपने छोटे मोटे गिलास के हिसाब से डालना। यहाँ डाल दी मैंने 1 गिलास, अब हम डालेंगे और 1 गिलास। अब इसको गैस को करूँगी फास्ट और इसको ढक दूंगी आराम से, पूरा 1/2 घंटा पकने के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, ताकि हमारा चिकन भी गल जाए, टमाटे भी गल जाए, प्याज भी गल जाए, सब अच्छी तरीके से गल जाए। और एक बात बता दूं कि जो ये टाकोस बना रहे हैं हम, टाकोस बहुत अलग अलग किस्म के बनते हैं, वेजिटेबल के बनते हैं, फ्रूट के बनते हैं, आलू के बनते हैं, चाट मसाले के बनते हैं, चिकन के बनते हैं, कोई भी अपने तरीके से बना सकता है। तो ये मैं मेरे तरीके से बना रही हूँ। ठीक है, तो हमारा चिकन हमने गलने चढ़ा दिए है, चिकन गल रहा है जब तक हम रोटी बना लेते हैं। जो टाकोस बनाएंगे ना, उसके लिए रोटी, ये मैदे का आटा ली हूँ मैंने 200 ग्राम। ठीक है, आप कम ज्यादा अपने हिसाब से बना लेना। इसमें डालेंगे हम नमक, इसमें मैं 1/2 चम्मच शक्कर भी डालने वाली हूँ। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, बस।
अब इसको मिला लेंगे जरा शक्कर को नमक को अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे, जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बस इसी तरीके से गूंदना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा टाइट गूंदना है, ठीक है। तो यहाँ पर आटा अच्छे से मैंने गूंद ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये अपनी मर्जी है जितने बड़े बनाना है छोटे बनाना है, ठीक है ना। ये ज्यादा बड़े तो होते नहीं है, एक लिज्जत पापड़ होता है, लिज्जत पापड़ तो सबने खाए होंगे, वो साइज का होता है। तो यहाँ पे मैं पहले पेड़े बना लेती हूँ 4-5 अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर मैंने पेड़े बना ली हूँ, इसको मैं ढक के रख दूंगी क्योंकि एसी चालू है ना, तो इसमें पापड़ी नहीं जमनी चाहिए, ठीक है। एक पेड़ा मैंने निकाल ली हूँ, अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब ये भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए तो ये भी अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन इसका साइज मैं बताई ना आपको कि एक लिज्जत पापड़ के इतना रहता है, लेकिन हम हमारे हिसाब से घर में बना रहे ना, तो कोई साइज के ऊपर नहीं रहता, अपनी मर्जी रहती है, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, है कि नहीं। घर में बनाने का एक यही तो फायदा होता है। तो यहाँ पर मैंने बेल ली हूँ इतनी बड़ी। अभी देखो सबको एक साइज की चाहिए, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि रोटी कभी कभी छोटी बड़ी होती है, और गोल शेप में और एक साइज के लिए मैंने आपको ये आइडिया दे रही हूँ कि एक ढक्कन एक नाप ले लेना, रोटी बेल लेना और आराम से आपको एक साइज के टाको बन जाएंगे, है ना। वहाँ पे भी ऐसी बनाते ना लोग। हाँ उन लोग का भी तो मेजरमेंट रहता है ना, क्योंकि उन लोग मशीन चलाते है, तो उन लोग की मशीन भी तो एक साइज की होती है ना। नहीं मैं वो लोग ना रेडीमेड लाते हैं। हाँ, तो देखो हम रेडीमेड नहीं ला रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे से कटा नहीं है, मैं वापस एक बार कट कर लेती हूँ। घर का जुगाड़। हाँ ये घर का जुगाड़ बोल सकते हैं आप। ओ वाओ, ये इस तरीके से एक साइज के आप बना सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे रखते जाएंगे इसी तरीके से, मैं सब तैयार कर लेती हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे रोटी मैंने सब अच्छे से बेल ली हूँ, अब हम इसको सेक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन भी चढ़ा दी हूँ गरम होने के लिए, अब इसको आराम से मैं सेक लूंगी। कच्चा पक्का एकदम रोटी की तरह से, एकदम नहीं हमको सेकना है, दोनों तरफ से पका नहीं लेना है, एक हल्का पका लेना है, जो कि हम कच्चा पक्का जिसको बोल सकते हैं, जो स्टोर भी कर सकते हैं। आप रेडीमेड लाते हो तो कैसा रहता है, वो कच्चा पक्का रहता है ना, उसके बाद हम ये डाल के फिर इसको कुरकुरे सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट ही सेकी हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पे मेरी रोटी अच्छे से ये तैयार हो गई है। अब इससे ज़्यादा हमको बिल्कुल भी नहीं सेकना, देखो ये फूलने भी लग गई है ना मस्त, बस इसी तरीके से हमको निकाल लेना है। ये हो गई हमारी रोटी तैयार, अभी इसी तरीके से मैं सब पका लूंगी। तो यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ बन गई है, टाकोस की रोटी। हाँ तो देख रहे हैं आप लोग, अब हम इसको रखेंगे ढक के, ठीक है। यहाँ करेंगे गैस बंद। अब आते हैं हमारे यहाँ पे चिकन पे, यहाँ पे भी आधा घंटा हो गया है, तो यहाँ पे पूरा पानी सूख गया है। अब हम गैस करेंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से चिकन ठंडा हो गया है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे चिकन को उठा लेंगे। आ आ आ आ नहीं, इसको यहाँ रखेंगे क्योंकि हमको यही कढ़ाई में अभी और काम है। बस ये चिकन दे दो मम्मी को, एक दे दो ना, एक में बना लो तुम। तू ही खाएगा ना बेटा। अब क्या करेंगे हम, ये जो मसाला है, जितना भी प्याज मिर्ची, ये अब हम मिक्सर में डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा मसाला पीस लिए है ना, जो चिकन के साथ गलाए थे उसको पीस लिए है। अब आते हैं हमारे चिकन पे, चिकन भी हल्का सा ठंडा हो गया है माशाल्लाह, देखो ये अच्छे से टूट भी रहा है, देख रहे। बस इसी तरीके से हमको इसके पीसेस करना है अलग अलग, आप जितने छोटे रखना चाहे बड़े रखना चाहे आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे चिकन अलग कर दी हूँ, माशाल्लाह इतना अच्छा गल गया है ना चिकन, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है उसमें से। अब क्या करेंगे हम,
ये चिकन को फिर से हम यही कढ़ाई में डाल देंगे। बस ये इसी में ऐड कर देंगे और मैंने गैस भी नीचे से चालू कर दी हूँ स्लो पे। ठीक है, अब हम ये मसाला है इसी को इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाले वापस इसमें ही ऐड कर दी हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे हमने लिए थे ना 2 चम्मच भर के केचप, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तीखा मीठा मस्त फ्लेवर आएगा। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, अभी ये पका पकाया है सब। अब हम इसको 1 ही मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये सब इसमें मिल जाए। और इस टाइम पे आप थोड़ा सा नमक इसमें चेक कर लेना, अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी काली मिरी या नमक कुछ भी ऐसा डालना है तो डाल सकते हैं। मैं इसमें अब थोड़ा सा कोथमीर ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। बस अब हम गैस कर देंगे बंद। तो चिकन हमने एक बाउल में निकाल लिए है, ये ठंडा हो गया है। यहाँ पे ले ली हूँ मैंने मोजरेला चीज, और यहाँ पे प्याज ले ली हूँ, और यहाँ पे हमारी रोटी यानी कि तुम्हारा टाकोस। अब क्या करेंगे, हम बिस्मिल्लाह करके उठाएंगे और इस पे डालेंगे, है ना। आधी रोटी पे ही डालना है, पूरी रोटी पे नहीं डालना है। ठीक है, आपको जितना डालना है आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से डाल देना। यहाँ तो मैं अच्छे से बनाऊंगी, है ना रियाज। रियाज को चाहिए चिकन, तो यहाँ पे मैंने डाली हूँ। अब हम डालेंगे इस पे थोड़ा सा प्याज, अब डालेंगे हम मोजरेला चीज। आप चीज दोनों तरफ भी डाल सकते हैं, पहले चीज फिर चिकन फिर उसके बाद में ऊपर से फिर चिकन के चीज। मैं यहाँ पे एक ही टाइम लगाई हूँ। अब हम इसको कर देंगे पलटी इस तरीके से। ठीक है, धीमी हाथ से इसको पलटी कर लेंगे और अब हम इसको आराम से उठाएंगे, चमचे की मदद से हमारे तवे पे रख देंगे। अब हमको एकदम धीमी आंच पे सेकना है, आंच को एकदम फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, धीमी आंच से इसको कुरकुरे करना है। क्योंकि रोटी हमने यहाँ पे तेल घी कुछ भी यूज नहीं करे है, आप चाहे तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं इसको फ्राई करने के लिए, लेकिन मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहां से मैंने सेक ली हूं इसको 1 मिनट। अब क्या करेंगे, हम इसको पलटी करेंगे, जहां से हमारी चीज है अब हम वो साइड से सेकेंगे। धीमी आंच से ही सेकना है, सिर्फ ये कुरकुरे हुए तक। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से सेक ली हूं मैंने 1-1 मिनट। यहाँ पे मेरा पक चुका है ये टाकोस, अब हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन का टाकोस तैयार हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अभी सब तैयार कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारे सारे चिकन टाकोस तैयार हो गए, देख रहे हैं आप लोग, मस्त एकदम चीज है ना मेल्ट हो गया है, अच्छा क्रंची क्रंची हो गया ये। अब हम इसको निकाल लेंगे एक एक करके, गरम गरम गरम। आहा, तो दोस्तों तैयार हो गए अपने टाकोस, ये है चिकन टाकोस, देख रहे हैं, चिकन चीज टाकोस। हाँ, रोटी वाले चीज भर के चिकन के टाकोस। हाँ, इंडियन देसी टाकोस। हाँ, आप बोला ना बराबर। हाँ, सच्ची बोलू ना, मुझे ये ज्यादा ना पसंद नहीं है, मुझे ना बर्गर पिज्जा ये सब तो बहुत मजे के लगते हैं। क्यों पता है, क्योंकि ना कुछ चीज ना प्राइस से भी कंपेयर होती है। अभी आपको ना जो प्राइस में पिज्जा बर्गर मिलता है और वो अच्छा भी लगता है, वही प्राइस में ये भी मिलता है। अभी लास्ट टाइम मैंने खाया था, हम लोग गए थे आरसीटी मॉल, तो वहां पे मैंने खाया था टाकोस, 350 का था, वो भी क्या इसके कुछ और दूसरा था, पापड़ के अंदर इतनी सी वेजीज डाल के थोड़ा सा ऐसा चाट मसाला टाइप कुछ था। हाँ, वो था 350 रुपीज का, इतना सी। मैं बोला इससे अच्छा तो अपना बर्गर पिज्जा आ जाता तो मजा आ जाती थी, तो ऐसा है। तो ये रहा टाकोस, लेकिन हाँ मैं वो बोल रहा, लेकिन अम्मी ने वैसा नहीं बनाया, अम्मी ने ना इतने सारे चिकन भर दिए, इतना सारा मसाला भर दिया, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये एक अलग तरीके का अपना घरेलू तरीके का मजेदार चटपटा। हाँ, अगर घर में बच्चे बोले टाकोस चाहिए तो आप देसी टाकोस इस तरीके से घर में आप बना के दीजिए ना घर में बच्चों को। लेकिन अम्मी ने ना इसमें चिकन इतना भर दिया ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सी सॉफ्ट हो चुका है, जो कि जो
रोटी है ना इसकी, हाँ। ये थोड़ी सी ना क्रिस्पी टाइप होती है, लेकिन अब मैंने चिकन इतना भर दिए और ये 5 से 10 मिनट हो चुका है बन गए, तो ये थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो चुकी है। हाँ, तो वो जूसेस है ना पूरे टमाटो वगैरह के, और मैंने ना चीज भी डाल दी है, एक रीजन ये भी है। अरे वाह वाह, कैसा खाएंगे अम्मी, कैसा खाएंगे, इसी खाएंगे। ये तो शोरमा भी लग रहा है मेरे को, रोटी वाला शोरमा, जो बोलना है वो बोलो। चलो अभी खाते है, ज्यादा क्या बोलो। कुछ मत बोल। खाने में कैसा बता, जो मसाला मैंने लिए ना वो मजेदार है, और एकदम इसी तरीके से बताई हूँ मैंने, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपको पापड़ में भी बनाना है तो आप रोटी कैंसिल कर सकते हैं, हाँ। और जैसा मैंने चिकन वगैरह बनाई, मसाला वसाला रेडी करी हूँ, आप लोग उस तरीके से कर लीजिए, मसाले को अच्छा डाल के सूखा कर लीजिए, उसके बाद आप अपने पापड़ में या अपने टाकोस में रख के खा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे होममेड रोटी बना के बनाई हूँ ताकि अच्छे से बच्चे खा लें। हाँ, अभी मैं समझा वो लोग इतना स्टफ क्यों नहीं करते इसमें। हाँ, अम्मी ने ज्यादा कर दिया ना तो रुक रहा नहीं, एक जगह पे रुक रहा भी नहीं है, और भर दी बोल के मैंने वो क्रंचीपन उसका जो है वो कम हो गया है। हाँ। अगर मैं शायद चिकन कम डालती तो वो क्रंची अच्छे ज्यादा होते, ऐसा नहीं कहना तो ये भी लेकिन अच्छा टेस्ट मैं बोलूंगी ना उससे ज्यादा 100% इसमें है। हाँ, बिल्कुल है ना, मस्त। अपने लिए तो कुछ अलग है, यूनिक है, क्योंकि आप उन सच्चे में ज्यादा नहीं खाते। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, आप लोग जरूर ट्राई करना। बिल्कुल, आप लोग भी खुश हो जाएगा, एक खाएंगे तो, हाँ दो खाएंगे तो भी खुश हो जाएगा। चिकन है ना, आज बात कम कर रहा है, देख रहे आप लोग, एक एक दाने बोल रहा है अपना काम कर रहा है, वो उसको अपना काम करने से मतलब है। एक रीजन यही है कि चिकन है करके मजा नहीं खाने में। हाँ, अब देखो मैं बना सकती थी, आलू की स्टफिंग है ना एकदम सूखी होती है, जैसे हम पटाटे वाड़े की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं तो वो सूखा होता है, तो उसमें भी क्रंचीनेस आपकी रोटी की बराबर आएगी, क्योंकि उसमें पानी नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता है, तो वो भी उसमें आप सेव वगैरह डाल दिए, अनार के दाने डाल दिए, थोड़ा चाट मसाला डाल दिए, आपका टाकोस तो रेडी, तो उसमें भी क्रंची बराबर बनेंगे। आप वेजिटेबल उबाल लीजिए, वेजिटेबल में भी आप चाट मसाला डालिए और पापड़ में भर लीजिए, तो बोले वेजिटेबल टाकोस। और आपको ऐसा टाइम पास नहीं करना रोटी बना के, तो हाँ। ये ना रेडीमेड भी आता है, पापड़ का भी आता है, रोटी का भी आता है, हाँ। आप वो मंगा के उसमें भर के फटाक से गर्म करके खा सकते हो। हाँ, इतने इतने आते हैं, आप बस ये मसाला रेडी कर लीजिए, उसमें भर दीजिए, आपके टाकोस तैयार। लेकिन हमने जरा मेहनत की है ना, हमने घर में बनाए रोटी, तो इसके लिए हमारे लिए ये हेल्दी है, हाँ। मस्त। अगर आपको भाई देखना है रेडीमेड वाला तो तुम रेडीमेड लाके भी बना के बता देना इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स करना, मैं रेडीमेड टाकोस लाके आपको अलग तरीके से बना के बताऊंगी, ठीक है? तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और चिकन के शौकीन लोग ये टाकोस बना के थोड़ा शेयर भी कीजिए, फोटो भी भेजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, चलते हैं अभी, हाँ, चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।